अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ ये खेत में ही इन्होंने अपनी गाय वगैरह जो है ढोर पाल रखे हैं, और ये पीछे यहीं रह कमरे में बने रहते भी हैं, तो यहीं से ये दूध लेते होंगे अपना। उनको चारा वारा भी यहीं दे देते हैं। स्वागत है दोस्तों एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम जरा यहाँ से गुजर रहे थे, घर के बाहर किसी काम से आए थे पास के गांव में, तो यहाँ पर हमने पास में ही जो है खेत देखे, तो खेत में खीरे लौकी तोरी ये लगे हुए थे। तो जो नम्बे हैं इसको बड़ी जिज्ञासा हुई देखने की भी खेतों में कैसे लगाए जाते हैं, तो सोचा क्यों ना इसको दिखा दिया जाए कि खेतों में किस तरह से लौकी तोरी जो होते हैं खीरे वगैरह, आजकल सीजन भी है, किस तरह से लगे हुए होते हैं। तो आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि किस तरह से खेत में ये सब दिखाई देते हैं। तो नम्बे तो देखिएगा, ये सामने हमारे खेत है, यहाँ से हम एंट्री कर लेते हैं। चलो पैर ऊपर उठाओ। तो देखिएगा ये खीरे जो हैं पैक हो रखे हैं, ये इन्होंने तोड़ के पैक कर रखे हैं। तो दीदी ये खीरे आपने अभी तोड़े हैं? हाँ। ताज़े खीरे हैं एकदम, और ये लगे हुए भी हैं इसमें। हाँ। और क्या क्या लगा हुआ है दीदी? तोरी और खीरे हैं। तोरी कहाँ लगी हुई है दिखा सकते हैं आप हमें? बेल तोरी की तो खीरा नीचे बेल तोरी। अच्छा बेल तोरी की चल रही है और नीचे खीरा है। तो हाँ देखिएगा ये तोरी भी जो है ये पैक हुई भी रखी है, और आप तोरी लटकी भी देख भी सकते हैं। नम्मे इधर आओ, ये देखिएगा ये तोरियाँ अभी छोटी हैं, जब बड़ी हो जाएंगी तब ये तोड़ लेंगे, इनको हार्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो ये तोरी लटकी हुई हैं ये थोड़ी छोटी छोटी हैं, अभी कच्ची हैं, तो इनको पकने में भी समय लगेगा। इसी तरह से देखिएगा ये खीरा ये लगा हुआ है, ये खीरा लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये इसकी पूरी बेल है, इस तरह से ये बेल चलती है। तो ये बेल वाली सब्जियां हैं, तो खीरा और तोरी इसमें लगी हुई है दोनों। देखिए पूरा का पूरा खेत जो है ये जो बेल ऊपर को बेल चल रही है ये बेल तोरी की है, और नीचे जो बेल चल रही है ये खीरे की है। तो दोस्तों हमने इनसे बात की, कोशिश करते हैं खेत से टूटा हुआ ताज़ा जो है ये खीरा खाने की। नंबर पकड़ो, टेस्ट करके बताओ तो ताज़े खीरे की कैसी बात होती है। तोड़ो उसको, ऐसे नहीं खाते, तोड़ो बीच में से तोड़ दो। हाँ ये देखिए शाबाश, अब इसको इस वाले साइड से खाओ और बताओ इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। धोया हुआ है ये? नहीं, खेत का तो सफाई रहता है। अच्छा। हाँ कैसा टेस्ट आ रहा है बेटा? बढ़िया। हाँ तो बिल्कुल ताज़ा खेत का टूटा हुआ है, और दीदी ने भी तोड़ के दिया है। ये हमारे यहाँ घर के पास में खेत है उसमें ही है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से जो है बेल वाली सब्जियाँ या खेतों में लगी हुई हैं। तो हमारे आसपास के एरिया में काफ़ी जगह इस समय खीरा लौकी तोरी इन सब की, आगे की तरफ और बढ़ेंगे तो चकुंदर के भी जो है खेत हैं, फिर आगे गन्ना, ये तो कॉमन है उत्तर प्रदेश में, गन्ने की फसल तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। तो देखिएगा पूरा खेत दोबारा से, तो पूरा का पूरा खेत ही चीज़ से भरा हुआ है, और आगे की पूरी बेल्ट पर आप अगर आप देखिएगा, देखिए ये जो बीच में जगह छोड़कर आगे वाला खेत आप देख रहे होंगे, इस पर भी खीरा और तोरी और लौकी लगी हुई नहीं है यहाँ पर फिलहाल इस खेत में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ ये खेत में ही इन्होंने अपनी गाय वगैरह जो है ढोर पाल रखे हैं, और ये पीछे यहीं रह कमरे में बने रहते भी हैं, तो यहीं से ये दूध लेते होंगे अपना, उनको चारा वारा भी यहीं दे देते हैं। ये खेतों में पानी देने का सिस्टम है इस तरह से, अब इसको क्या बोलते हैं तो मुझे याद नहीं इंग्लिश में, जिसको पता हो आप में से बताइएगा प्लीज़, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में। और गाइज यहाँ पर हम आ गए करेले के खेत में, तो इस खेत में करेले लगे हुए हैं, आइए देखते हैं कहाँ लगे हुए मिल जाएंगे हमें करेले। देखिएगा ये लगा हुआ करेला ये बेल पर, आप देख पा रहे होंगे ईरा, ये छोटा सा करेला, अभी छोटे हैं ये भी, ये बड़े हो जाएंगे फिर इसको तोड़ लेंगे। बड़ा है। हाँ ये बड़ा है लेकिन अभी टूटेगा नहीं। तो इस पूरे खेत में
आप देख पाएंगे जहाँ तक नजर जा रही है डैडी, सब जगह पे कुछ और है। करेला लगा हुआ है, नहीं करेला ही है बेटा। डैडी ऑरेंज वाला करेला है, ऑरेंज वाला, हाँ वो पक गया। देखो आपको ऑरेंज कलर का करेला दिखाते हैं, चलिए देखिए नमेश वगैरह ऑरेंज कलर का करेला ये ऑरेंज कलर का करेला नहीं है बेटा, ये करेला इस पर लगा लगा पक गया है, अभी बेकार हो गया, तो ये करेला जो है अब किसी काम का नहीं है। देखिएगा यहाँ पर और भी करेले लगे हुए हैं, तो ये बहुत से जो करेले ऐसे होते हैं पक इसलिए जाते हैं कि नज़र में नहीं आते और जल्दी से उगते हैं और पक जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये कच्चा करेला लगा हुआ है इस तरह से, ये भी सही है, कल को इसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। देखिए इस पर काफ़ी लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, ये कल ये नहीं पूछेंगे पहले जिनका खेत है तब तोड़ेंगे, ऐसे नहीं तोड़ते बेटा, ठीक है ना। तो देखिए इस साइड में काफ़ी करेले लगे हुए हैं, ये रहे, ये पूरे करेले से लदा हुआ है, ये वाली बेल पूरी करेले से लदी हुई है। तो गाइस आपने देखा किस तरह से पूरे के पूरे खेत में करेला लगा हुआ है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं चारों तरफ करेले लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास इस खेत के मालिक हैं, इनसे जानेंगे कि करेला जो है किस तरह से लगाया जाता है और फिर ये कब इसकी पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह से हार्वेस्टिंग इसकी होती है। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। राजेश जी बताइए करेला किस सीजन में लगाते हैं हम तो दिसंबर में लगाते हैं। दिसंबर में लगाते हैं, और ये कितने महीने की फसल है? ये 6 महीने की फसल है। 6 महीने की फसल है, तो इसमें एक बार में एक ही फसल आती है, कितनी फसल आ सकती है इसमें? दो आ जाए इसमें, खीरा, खीरा खत्म हो गया। हाँ खीरा भी लगा हुआ है, तो नहीं करेले की हम बात करें, कितनी फसल आ जाती है करेले की? तो ये फसल रही दिसंबर तक, वो नवंबर तक, वहाँ मैं अक्टूबर तक। तो जैसे अभी मई चल रहा है तो ये अक्टूबर तक चलेगा। अच्छा अच्छा, तो इसको आप जो है अभी जैसे मैं देख पा रहा था कि इसमें कुछ करेले भी तैयार हैं, तो इनको कब आप काटेंगे, कब तोड़ेंगे? कल को तोड़ेंगे, टाइम ना मिला। अच्छा अच्छा, कल को तोड़ना शुरू हो जाएंगे। तोड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो कुछ करेले इसमें पीले हो रहे हैं, इनका पीले होने का क्या राज है जी? पीले होने ये है जी, पहले तोड़े एक पन्नी निकला है मकुल करेला। अच्छा, तो ये बालकों घास में चमके ना। अच्छा 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 अच्छा, घास ना हो रही है। हाँ पीले न हो। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले घास ना होती है मिल जाता है, घास में चमके ना ये पहले हो। अच्छा, उम्र कम हो ज़्यादा होगी। चलिए चलिए, तो ये थे राजेश जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से करेले जो हैं इस खेत में लगाते हैं। अच्छा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने राजेश जी से बात की, इनसे बात की और इन्होंने बताया कि किस तरह से इसका सीजन होता है, दो एक फसल इस पर आती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब दिन ढलने लगा है और अब यहाँ से खेतों में से कीट पतंगों की आवाज़ भी आनी शुरू थी। अब ये राइट टाइम है कि हम खेतों से दूर हो जाएं ताकि मच्छर वगैरह हमको ना काट लें। तो दोस्तों बंद करते हैं इस वीडियो को यहीं पर और आपसे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।